हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और मैं महुआ वैशाली में भी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, पॉपुलर नर्सिंग होम में। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसा मैंने अपने ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि बच्चे जो होते हैं वो सोसाइटी के धरोहर होते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे अगर हेल्दी होंगे, बच्चे को अगर संस्कार अच्छा दिया जाएगा, तो जो बच्चे जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो सोसाइटी और वो समाज जो है उसके संस्कार भी अच्छे होंगे और हेल्दी होगा। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसका केयर कैसे करें। बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि क्या करें क्या ना करें, इसी सिलसिले में बच्चा उनका सीरियस हो जाता है और उनको इधर उधर भागना पड़ता है। और बच्चा जब सीरियस होता है तो आप लोग तो जानते ही हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कितनी महंगी हो गई है, और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो उनके जहाँ पे बच्चों का केयर होता है वो उनके घर से दूर रहता है, इसीलिए वो अपने बच्चे को नहीं ले जा पाते हैं वहाँ। और हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो है 80% लोग जो होते हैं बिलो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो लोग उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी बातों का अगर आप केयर करोगे, छोटी छोटी बातों को अगर आप जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनोगे, तो आपका बच्चा सीरियस नहीं होगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। पहली चीज़ कि डिलीवरी कहाँ कराएं। डिलीवरी वहीं कराना चाहिए जहाँ पे कि डॉक्टर अवेलेबल हो और ऑक्सीजन की अवेलेबल हो। मान लिया जाए कि जन्म के बाद अगर बच्चे को कुछ दिक्कत हो तो आधा एक घंटा वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट का सुविधा हो, जैसे कि अपना जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपको ये सब चीज़ सुविधा रहेगी। डॉक्टर रहते हैं वहाँ, ऑक्सीजन रहता है, सिस्टर रहती है, ट्रेन सिस्टर रहती है, वहाँ पे करा सकते हैं। और जो अफोर्डेबल लोग होते हैं वो अपना प्राइवेट में कराते हैं। तो पहला चीज़ है कि आप जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको नॉर्मल कब बोलोगे, नॉर्मल न्यूबॉर्न जो बोलते हैं उसको हम लोग कब बोलेंगे। तो पहली चीज़ जो है कि बच्चे का जन्म जो है वो 9 महीने के बाद होना चाहिए। पहली चीज़, बच्चे का जो वजन होना चाहिए वो 2.5 kg से ऊपर होना चाहिए। बच्चा जब जन्म ले तो जन्म के बाद तुरंत रोए, उनको कोई जो है मारना पीटना, या कुछ लोग जो है पीट पीट के बच्चे को रुलाते हैं, वो सब ना हुआ हो। चौथा चीज़ है कि माँ को जन्म के समय वैसा कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि किसी किसी माँ को क्या होता है कि BP बढ़ जाता है, किसी किसी माँ को शुगर की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी माँ को बुखार आ गया होता, तो ये सब प्रॉब्लम ना हो। और ऐसा अगर है तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मल है। तो ऐसे बच्चे में जनरली क्या होता है कि आप सिंपल चीज़ अगर आप केयर करोगे तो बच्चा आपका सीरियस नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा वैसा हो तो उसको हम लोग नॉर्मल न्यूबॉर्न नहीं बोलते हैं। उस सिलसिले में आपको कोई भी जो बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं या जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं उनसे मिलना होगा। तो पहला चीज़ है कि बच्चे मान लिया जाए कि नॉर्मल है, बच्चे नॉर्मल है तो अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जब भी बच्चे जन्म लेते हैं तो अभी तो जैसे गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में तो बच्चे को हाइपोथर्मिया, मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है उनका, बच्चे का जो शरीर जो है ठंडा होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है जहाँ पर डिलीवरी होती है वहाँ रूम टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो जनरली हाइपोथर्मिया का टेंशन नहीं होता है। ये सब टेंशन जो है ठंडे में होता है, जब आप ठंड में बच्चे का डिलीवरी करा रहे होते हैं तो उस वक्त ये टेंशन होता है कि बच्चा कहीं ठंडा ना पड़ जाए। तो चूंकि अभी गर्मी है तो उतना तो जस्ट बच्चे जब जन्म लें तो नॉर्मल जो अपने आपके पास जो भी कॉटन कपड़ा है जो साफ़ है उससे बच्चे को पानी साफ कर दे, पानी जो है साफ कर दे, बच्चा रोने लगेगा तो बच्चे के को एक कपड़े में लपेट के माँ के पास दे देना चाहिए, और आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो तो आधे घंटे के अंदर आप एनी हाउ बच्चे में जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग स्टार्ट क्यों करते हैं, जब आप नॉर्मल डिलीवरी कराते हो तो बच्चा जो है प्रोसेस से आते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में जो क्या होता है ना, माँ को जो है दर्द जो है 15 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा ऐसे रहता है। तो जब दर्द होता है तो बच्चे को भी थोड़ा पेन होता है। तो बच्चे जब जन्म से जब बाहर आते हैं तो बच्चों में जो है ना एड्रेनलिन नाम की एक हार्मोन निकलती है, तो शुरू के आधे घंटे में उनका जो है सकिंग रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है। तो शुरू के आधे घंटे में अगर आप बच्चे को माँ के ब्रेस्ट के पास रख के सक कराओगे तो बच्चा इजीली दूध पी लेता है, नहीं तो उसके बाद चूंकि बच्चा थका हुआ रहता है तो सोता है, तो लंबे समय तक सोता है।
तो अगर आप आधे घंटे के अंदर फीड नहीं कराओगे तो ये एक समस्या हो जाएगी। तो बच्चे को आधे घंटे के अंदर फीड कराना ही कराना है। दूसरी चीज है कि कोई भी चीज, कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब अभी भी गांव में कहीं कहीं मतलब वो है कि कुछ लोग जो है जन्म होता है गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध या मांस या कुछ जो है कुछ लोग देने लगते हैं, तो ये सब चीज़ कभी ना दें। ये सब चीज़ तो देना ही नहीं है। और तुरंत आधे घंटे के अंदर जो है जैसा मैंने बताया फीड करा देना है। जैसे ही आप आधे घंटे के अंदर फीड कराओगे तो इससे दोनों को फायदा है, बच्चे को भी फायदा है और माँ को भी फायदा है। माँ को क्या फायदा है, तो माँ को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। माँ को, माँ जो इतना पेन जो बियर कर रही थी, जो इतना पेन सह रही थी, तो माँ को जो है थोड़ा रिलीफ मिलेगा। माँ का अगर दूध आ रहा है तो माँ को अच्छा लगेगा। माँ का जो बच्चे के प्रति जो लव होता है वो सब चीज़ जो है थोड़ा बढ़ जाता है। और बच्चे जब शक करते हैं तो माँ में भी सारे बहुत सारा प्रॉब्लम जो होती है, जन्म के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होना, वो सब कम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि आधे घंटे के अगर अंदर अगर आप फीडिंग कराते हो तो बहुत सारे फायदे हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। और ये पार्ट वन वीडियो है, मैं नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बहुत ज़रूर बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें। और अगर आपको ऐसी कोई भी बच्चे से रिलेटेड वीडियो जाननी हो या कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके जो है आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा आपकी जो भी परेशानियाँ हैं और आपकी जो भी जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।